करीब 10 घंटे का सफ़र तय करके हम लोग इस समय लवी पहुंचे हैं यूक्रेन के। आमतौर पर यह सफ़र करीब 6 घंटे का होता है, लेकिन बेहद ज़्यादा भीड़ के कारण ये सफ़र थोड़ा लंबा था और भीड़ का नज़ारा कुछ इस तरीके का पीछे नज़र आता है। ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। जिस जगह पर हम उतरे हैं वहाँ भी नज़ारा लगभग ऐसा है, बेहद ज़्यादा भीड़ है लवीव के इस स्टेशन पे। ये अभूतपूर्व भीड़ है क्योंकि आमतौर पर यहाँ पर ट्रेनें और स्टेशन जो हैं वो इतने भरे हुए नहीं होते हैं और लोग कम होते हैं, लेकिन ये एक बड़ी जगह है और पोलैंड के रास्ते निकलने के लिए जो भी लोग कोशिश कर रहे हैं वो इस रास्ते से यहाँ से निकल रहे हैं, और इसलिए ये लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जगह हो जाती है। मेरा नाम अवनीश है, मैं यहाँ बोगोमलिट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ पे थर्ड ईयर का छात्र हूँ। अवनीश, कितनी देर आपको लगी ये ट्रेन हस्बा में जगह पाने में, क्या रही, किस तरीके की जद्दोजहद करनी पड़ी? मैं यहाँ पे सुबह 8 बजे से खड़ा हूँ और 8 बजे के बाद मुझे बोला गया था कि उज़गरोद नाम की जगह पे मुझे जाना है, और तो वहाँ से जाने के लिए यहाँ पे एक दो सुबह मुझे 10 बजे का ट्रेन बताया गया जो डिले होके 2 बजे का हुआ। उस 2 बजे होने के बाद मुझे उसके बाद फिर वो 3 बजे का हुआ, फिर 5:30 बजे का टाइमिंग आया, अभी उसका 8 बजे का टाइमिंग आ गया था उसका। तो अभी हम लोगों ने अपना प्लान को थोड़ा चेंज किया है, हम लोग उज़गरोद ना जाके लवीव एक जगह है वहाँ से जा रहे हैं, और लवीव से उज़गरोद के लिए एक बस लेंगे, तो ऐसे करके जा रखे हैं लोग। और आप बोगोमलिट जहाँ से आप आए हैं वहाँ से कितना समय लगा आपको यहाँ आने में? एक्चुअली मैं यहाँ पे एक अपार्टमेंट में रहता था, तो अपार्टमेंट से यहाँ तक आने के लिए टैक्सी नहीं मिल रही थी मुझे, तो हम कुछ दूर कम से कम लगभग 4-5 किलोमीटर पैदल चले हैं बैग लेके अपने, फिर वहाँ से हम लोगों ने एक यहाँ से एक यूक्रेनियन टैक्सी को हायर किया, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे रेलवे स्टेशन आ पाए थे। यानी अवनीश, अभी ये तय नहीं है कि कब तक घर पहुँच पाएंगे, कैसे घर पहुँच पाएंगे, लेकिन बस किसी तरीके से बस निकलना है? हाँ जी जी, निकलना है, क्योंकि जो भी कीव में हालात बन रहे थे, कि हम लोग जो सुन रहे थे किसी भी तरीके का केमिकल अटैक या किसी भी तरीके का हो सकता था, तो उसके लिए हम लोग अभी तैयार नहीं है, और किसी भी तरीके कोई हमें मदद नहीं मिल पा रही थी, और या फिर हम पूरी तरीके से, तो हम ये सोच रहे थे सबसे पहले हमें निकलना है कीव से, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि हमें कीव से निकलना है, उससे बाद ही कुछ सोचना आगे बढ़ पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपने सुना कि अवनीश जो कह रहे थे कि बस किसी तरह से यहाँ से निकलना है, और ये निकलने की जो जद्दोजहद है वही जारी है, हर व्यक्ति यहाँ से बस निकलना चाहता है। क्या नाम है आपका? सुमित यादव। सुमित, कहाँ पढ़ते हैं आप? की मैं बोगोमलिट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। अच्छा, आप बोगोमलिट्स में पढ़ते हैं। सुबह कब से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पे, और कितनी मुश्किल इस ट्रेन में जगह बनाने के लिए हुई, क्योंकि हम ट्रेन में बहुत मुश्किल हुई। ट्रेन में तो इतनी मुश्किल है कि बहुत बहुत दिक्कत के बाद हम लोग ट्रेन में एंटर कर पाए, वो भी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, और हम लोग यहाँ पे कीव में कीव सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर सुबह 10 बजे से वेट कर रहे हैं, और हम लोगों को ट्रेन 5 बजे मिली है, वो भी बहुत बहुत समस्या के बाद। कुछ इस तरीके की तस्वीर है, और भी इनके साथ बहुत सारे छात्र हैं, कई लड़कियां हैं, इनमें से कई की तबीयत भी जो थी वो ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद बस यहाँ से निकलना है, और इस निकलने की जद्दोजहद में ये तमाम स्टूडेंट्स अपने सामान को लेकर फ़िलहाल यहाँ से रवाना हो रहे हैं। हम आगे भी आपको अपडेट देंगे इस सफ़र का, जो फ़िलहाल बेहद लंबा नज़र आ रहा है।